सब आप सभी को मेरा नमस्कार और गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 4 पर चर्चा करेंगे। धारा 3 तक हम लोगों ने कल चर्चा की। धारा 3 संभवतः सबसे बड़ा, संभवतः क्या, निश्चित ही सबसे बड़ा सेक्शन है इस एक्ट का, और लगभग लगभग इसे इतना समावेशी बना दिया गया है कि वो तमाम कैटेगरी जिसमें शामिल कर दिए गए हैं, जो कि किसी भी तरह के अपराध हो सकते हैं, उन तमाम कृत्यों को इसमें सम्मिलित कर दिया गया है जो किसी भी तरह अत्याचार की परिभाषा में आ सकते हैं। तो आइए अब धारा 4 की चर्चा करेंगे आज। तो धारा 4 जो है तो पनिशमेंट फॉर निग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज, कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड का प्रावधान करता है। प्रश्न उठता है कि आखिर कैसे कर्तव्य और किस तरह की कर्तव्य उपेक्षा के लिए, तो जो लोक कर्तव्य है और जो लोक सेवक द्वारा किए जाने ऐसे कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए, तो अब यहाँ पर यह प्रश्न है कि क्या कोई भी लोक सेवक किसी भी पब्लिक ड्यूटी के वायलेशन के लिए अगर वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के किसी मेंबर द्वारा चाही गई है तो ऐसी लोक सेवा के निग्लेक्ट के लिए, ऐसी लोक सेवा की उपेक्षा के लिए दंडित किया जा सकेगा, या कोई विशेष प्रावधान है? कोई व्यक्ति गया पटवारी के पास खसरा लेने के लिए, जो अनुसूचित जाति जनजाति का है, उसने इंकार कर दिया देने से, या उसे टाल दिया कि 2 दिन बाद देंगे, लोक कर्तव्य की उपेक्षा हो, संभवतः पब्लिक सर्वेंट्स में शायद ही ऐसा समझ में आता हो कहीं पर भारत की स्थितियों में कि इतना सम्यक निर्वहन किया जाता है पब्लिक सर्वेंट्स द्वारा अपनी ड्यूटीज का कि बिल्कुल तत्काल ही प्रदान की जाती हो, नियमानुसार प्रदान कर दीजिए। तो ऐसी स्थितियों में आखिर कौन से लोक कर्तव्य हैं और किस तरह से दंडित किया जाएगा, लोक कर्तव्यों की क्या परिभाषा है यहाँ पर, और कौन से लोक कर्तव्य इस धारा के अंतर्गत माने जाएंगे? तो ये धारा इन सभी प्रश्नों का उत्तर देती है। तो इस धारा में है कि हुएवर बींग पब्लिक सर्वेंट बट नॉट बींग मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स विलफुली निग्लेक्ट्स हिज ड्यूटीज रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म बाई हिम अंडर दिस एक्ट एंड द रूल मेड देयर अंडर शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ बट विच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर। तो इस धारा में ये उपबंधित कर दिया गया है कि कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति और जनजाति का सदस्य नहीं, तो पहली शर्त तो इस धारा के एप्लीकेशन के लिए ये होगी कि जो भी लोक सेवक है जिसके बारे में ये अभिकथित है कि उसने निग्लेक्ट किया है, उपेक्षा की है कर्तव्य पालन में, वो अनुसूचित जाति और जनजाति का सदस्य नहीं होना चाहिए। और कर्तव्य कैसा हो, तो केवल वही कर्तव्य जो इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए जो नियम, उन नियमों के अधीन अगर कोई कर्तव्य उस पर अधिरोपित है और ऐसे कर्तव्य पालन में ऐसा लोक सेवक कोई उपेक्षा करता है, तभी वो इस धारा के अंतर्गत दंडनीय हो। इसमें आगे एक स्पष्टीकरण है उपधारा 2 में, जो कि स्पेसिफिक कुछ कैटेगरीज बताता है कि ये कैटेगरीज जो है तो लोक सेवा में सम्मिलित होंगी, पब्लिक ड्यूटीज में सम्मिलित होंगी। इस धारा के अंतर्गत जो पब्लिक ड्यूटीज रेफर की गई हैं उसमें ये भी चीजें शामिल मानी जाए। तो इसको अगर आप मुख्य रूप से देखेंगे तो FIR दर्ज करना और इन्वेस्टिगेशन करना, CRPC में जो FIR दर्ज करने की प्रक्रिया है और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन करने की प्रक्रिया, अगर उसमें कोई निग्लेक्ट किया जाता है तो लोक सेवक द्वारा, तो वो इस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। तो इसमें जो पहली चीज है वो ये है कि टू रीड आउट एन इंफॉर्मेशन गिवेन ओरली एंड रिड्यूस टू राइटिंग बाई ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन बिफोर टेकिंग द सिग्नेचर ऑफ इन्फॉर्मेंट। तो ये है कि अगर कोई सूचना जो है तो किसी थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाती है, जो भी हो, तो अगर पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा जो है तो सूचना को जो अगर मौखिक रूप से दी गई है तो उसे लिखित रूप में दर्ज करना और सिग्नेचर लेने के पहले, चूंकि वहां प्रक्रिया यह है कि अगर कोई मौखिक सूचना दी जाती है तो ऐसे जो भी पुलिस ऑफिसर है, जो थाने का भार साधक अधिकारी है, दैट विल बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग बाय दैट पर्सन एंड दैट शुड बी रीड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट। तो ये है कि जो सूचना करता है अगर उसके द्वारा मौखिक सूचना दी गई है, वहां पर जो कि आपके FIR दर्ज करने के प्रावधान धारा 154 में, उसमें यह है कि अगर ऐसी मौखिक सूचना दी गई है तो वो राइटिंग में रिड्यूस की जाएगी, लिखित रूप में परिवर्तित की जाएगी, और जो भी सूचना करता है उसको पढ़ करके सुनाई जाएगी और उसके बाद उसके हस्ताक्षर लिए जाएंगे। तो अगर कोई भी पुलिस अधिकारी है या थाने का भार साधक अधिकारी है जो कि ऐसी सूचना को मौखिक रूप से दिए जाने पर किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य द्वारा, उसे लिखित रूप में दर्ज करने में, और दूसरा कि उसको लिखने के पहले, उसके हस्ताक्षर लेने के पहले उसे पढ़कर सुनाने में, इस कर्तव्य में अगर किसी प्रकार की उपेक्षा करता है तो इस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा। तो
तो इसका जो पहला क्लाज है इसके स्पष्टीकरण को ये है। दूसरा ये है कि टू रजिस्टर ए कंप्लेंट आर अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर दिस एक्ट आर अदर रिलेवेंट प्रोविजंस एंड टू रजिस्टर इट अंडर अप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ दिस एक्ट। तो ये तो पढ़कर सुनाने की बात पहली रही कि उसे पढ़ करके सुनाएगा हस्ताक्षर लेने से पहले और उसे लिखित रूप में लेगा अगर वो मौखिक दी गई है। दूसरी बात है इसमें कि अगर दर्ज करने से इनकार करता है, कोई अपराध किया गया है कथित तौर पर ऐसा अपराध है और कोई व्यक्ति ऐसी सूचना देने के लिए थाने में जाता है, तो ऐसा दर्ज करने में चूंकि ऐसी परिस्थितियां हमेशा निर्मित होती हैं और ऐसी चीजें होती हैं कि केवल अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्यों को ही नहीं बल्कि हर किसी को एक तरह की रिलक्टेंस देखी गई है, एक तरह की अनिच्छा देखी गई है पुलिस थाने में अगर बहुत ही जघन्य अपराध न हो गया हो कि सामान्यतया ऐसे इन्फॉर्मेशन दर्ज करने में किसी तरह की आनाकानी की जाती है पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा, क्योंकि उनके लिए बड़ा काम बढ़ जाता है इन्वेस्टिगेशन का या कि उसके बाद उस अगर FIR दर्ज कर ली गई है रजिस्टर कर ली गई है तो उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक तार्किक परिणाम तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। तब थोड़े मोड़े चोरी की लिखवाने जाइए 200-400 रुपए की ऐसा कुछ हो तो वो कहते हैं भाई आप सूचना दे दीजिए हम आपको रिसिप्ट दे देंगे लेकिन दर्ज नहीं करेगा। तो ऐसी स्थितियां अगर SC ST के सदस्य के साथ होती हैं क्योंकि और ज्यादा कमजोर हैं तो उनके लिए इस तरह के रक्षा उपाय किए गए हैं कि अगर इस तरह से किया जाता है। और मुख्य जो प्रावधान है कि कोई ऐसा पुलिस अधिकारी ऐसा लोक सेवक करेगा जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति का सदस्य नहीं, तो इसका सीधा सा उद्देश्य है कि किसी भी तरह का बायस अगर लोक सेवक के ऊपर है इस तरह का जो यानी कह सकते हैं कास्ट बायस है वो खुद ही बायस्ड है कि ये अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य है और वो लोक सेवक नहीं है तो अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य के प्रति किसी तरह की दुर्भावना रखता है या उसके निजी विचार ऐसे हैं कि वो नहीं दर्ज करना चाहता है इनकी शिकायत को, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं। तो दूसरा ये है कि पर्टिकुलर सेक्शंस जो भी हैं उनके अंतर्गत इसे दर्ज किए जाने से इनकार करता है तो वो भी इस धारा की परिभाषा में आएगी और इस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगी। तीसरी चीज है कि जो इन्वेस्टिगेशन है ऐसी सूचना अगर दर्ज कर ली गई है तो अगर इन्वेस्टिगेशन जो है तो प्रॉपरली नहीं कंप्लीट किया जाता या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाता, अगर कोई अवॉइड करता है उपेक्षा करता है अपराध का अन्वेषण करने से, और उसके आगे ये भी है कि स्पेशल एंड एक्सक्लूसिव कोर्ट जो है अनन्य और विशेष न्यायालय उसके समक्ष जो है तो 60 दिन की जो परिधि है 60 दिन की जो समय सीमा है उसके अंतर्गत अगर चार्जशीट जो है तो फाइल करने में डिले करता है, तो जो भी चार्जशीट फाइल होती है अपराध की अंतिम रिपोर्ट जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है तो जो रिपोर्ट फाइल की जाती है कोर्ट में अगर इस विशेष या अनन्य न्यायालय में ऐसी रिपोर्ट 60 दिन की जो लिमिटेशन है तो 60 दिन के भीतर फाइल करने में किसी तरह की उपेक्षा करता है तो ये भी कर्तव्य उपेक्षा के अंतर्गत माना जाएगा। इसके बाद आता है कि टू करेक्टली प्रिपेयर फ्रेम एंड ट्रांसलेट एनी डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। यह है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है तो उसे प्रॉपरली ट्रांसलेट करने में उसका अनुवाद करने में अगर किसी तरह की उपेक्षा करता है लोक सेवक तो भी इस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा, चाहे किसी भी तरह का जो भी इन्वेस्टिगेशन संबंधित डॉक्यूमेंट है इंक्वायरी संबंधित डॉक्यूमेंट है या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है तो इनमें भी अगर किसी भी तरह की उपेक्षा होगी उसके प्रॉपर ट्रांसलेशन में उसका सम्यक अनुवाद करने में तो वो भी इसके अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा। इसके बाद आता है कि टू परफॉर्म एनी अदर ड्यूटीज स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट आर रोल मेड देयरिन। तो ये है कि अगर इस तरह की सूचना जो है तो जो दर्ज की गई है तो उसको दर्ज करने के पश्चात जो है और इन्वेस्टिगेशन करने के पश्चात ये भी इसमें जोड़ दिया गया है कि इसके इस अधिनियम के अंतर्गत या उसके नियमों के अंतर्गत कोई भी अन्य अधिरोपित जो कर्तव्य है उसके भी अनुपालन के लिए नॉन कंप्लायंस के लिए या उसके कंप्लायंस में जो है तो उपेक्षा करने के लिए लोक सेवक जो है तो इस धारा के अधीन दंडनीय होगा। तो 60 में 3-4 बातें हैं इसमें। पहली चीज तो इन्फॉर्मेशन को मौखिक रूप से जो दी गई है उसे लिखित रूप में रिड्यूस करना, उसके बाद उसे पढ़कर सुनाना, फिर उसे रजिस्टर करना, उसके बाद उसकी कॉपी फर्निश करना उस व्यक्ति को, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करना और कथन रिकॉर्ड करना, इसके बाद चार्जशीट फाइल करना और कोई अन्य कर्तव्य या दस्तावेजों को ट्रांसलेट करना, यानी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन FIR से लेकर के इन्वेस्टिगेशन के कंप्लीशन तक की जितनी भी प्रोसेस है जो भी प्रक्रिया है अगर उसे करने में सम्यक रूप से करने में कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य
नहीं है अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य द्वारा दी गई इसी सूचना पर काम करने से या इस अधिनियम के अधीन या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अधिरोपित कोई कर्तव्य है उनके पालन में अगर उपेक्षा करेगा तो वो ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा, तो 6 महीने से कम का नहीं होगा और जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा। तो ये जो है तो इसके अंतर्गत दंड, इसमें इसका सबसेक्शन 3 जो है तो ये सीधे से है कि जो कॉग्निजेंस है ये स्पेशल कोर्ट द्वारा लिया जाएगा, स्पेशल और एक्सक्लूसिव कोर्ट द्वारा लिया जाएगा। और ये जो है तो कोई भी कॉग्निजेंस जब इस धारा के अंतर्गत लिया जा रहा है तो पहले जो है तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पर ही या एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी पर ही इस तरह के चार्ज होंगे। ऐसा नहीं है किसी भी पब्लिक सर्वेंट को सीधे अगर कोई कंप्लेंट कर दी गई है तो सीधे तौर पर उसे बुक कर लिया जाएगा इस सेक्शन के अंतर्गत या इस सेक्शन के अंतर्गत उसे अक्यूज मान लिया जाएगा, बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी होगी, एक प्रशासनिक जांच होगी। और ऐसी प्रशासनिक जांच के जब जो परिणाम होंगे, जब ये हो जाएगा कि हाँ उसने ऐसा किया था, इस तरह से इनकार या उपेक्षा जब साबित हो जाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव जांच पर, उसके बाद ही विशेष और अनन्य न्यायालय द्वारा इस अपराध का कंग्निजेंस लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5। तो ये इनहेंस पनिशमेंट फॉर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन की बात करता है। तो कोई भी व्यक्ति जो है जो इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए पहले ही दोष सिद्ध किया जा चुका हो, तो अगर उसी तरह का अपराध जो दूसरा है पश्चातवर्ती अपराध होगा तो एक वर्धित दंड से दंडनीय होगा। अगर फिर से वो अपराध किया जाता है तो ये होगा कि इसमें जब दोबारा अपराध किया जाता है उसी अध्याय के अधीन उसी तरह का अपराध किया जाएगा तो कोई भी सजा जो होगी वो 1 वर्ष से कम की नहीं हो सकेगी। और जो कि वो जो अपराध किया गया उसके लिए उपबंधित अधिकतम दंड से तो दंडनीय होगा ही, लेकिन ये इसमें शर्त होगी कि अगर दोबारा इस तरह का अपराध किया जाता है तो जो वर्धित दंड होगा वो न्यूनतम दंड कम से कम 1 वर्ष का कारावास होगा। तो इस तरह से न्यूनतम दंड की एक परिसीमा यहाँ पर रख दी गई है। तो अगर दोबारा कोई भी व्यक्ति जो है तो इसी तरह के अपराधों से इस अध्याय के अधीन जो अपराध है उसके अधीन अगर दंड नहीं पाया जाता, दोबारा अपराध करता है एक बार दंडित होने के बाद, तो उसकी जो सजा होगी वो न्यूनतम सजा 1 वर्ष से कम की नहीं होगी। तो ये वर्धित दंड दिया जाएगा हम सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पश्चात वर्धित दोष। आगे आती है धारा 6 आपका, तो एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ इंडियन पैनल। तो जो भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंध है वो यहाँ पर भी लागू होंगे। तो जो सामान्य उपबंध है भारतीय दंड संहिता के, जैसा कि आप देख चुके हैं अध्याय भी है, अध्याय आपका धारा 34 और 149 जो कि वेकेरियस लाइबिलिटी के बारे में डील करते हैं, इसी तरह अध्याय 3, 4, 5, 5A और 149 हो गया और आपका चैप्टर 23 हो गया जो कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन आदि संबंधित। तो जो उपबंध है आपके, जैसे कि जो सार्वभौमिक तौर पर सभी तरह के दंड विधानों को लागू है, जैसे अपराधों के बारे में हो गया, अपराधों के बाद हो गए, अपराधों के बारे में कह रहा हूँ आप, पनिशमेंट्स हो गया, दंड के विषय में हो गया, दंड के विषय के बाद आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित बातें हो गई, दुष्प्रेरण हो गए, तो ये चीजें जो है तो सामान्य रूप से सभी दंड विधियों पर लागू है। तो जो अध्याय उन चीजों को उपबंधित करते हैं जो दंड के सामान्य सिद्धांत निरूपित करते हैं, तो दंड के जो सामान्य सिद्धांत होंगे वो यहाँ पर भी लागू होंगे। तो ऐसी तमाम धाराओं को उसी तरह यहाँ भी अप्लीकेबल किया गया है जैसे कि आईपीसी के अंतर्गत अपराधों के लिए लागू होते हैं, क्योंकि ये भी एक प्यूनिटिव लेजिस्लेशन है, एक आपराधिक विधान है, तो आपराधिक विधान में वो सभी बातें यहाँ भी पूरी तरह से लागू कर दी गई है। तो दंड संहिता के जो भी प्रावधान है, जनरल एक्सेप्शन के जो भी प्रावधान है, और प्राइवेट डिफेंस भी उसी के अंतर्गत आता है, और दंड के बारे में वो सभी चीजें यहाँ पर भी यथारूप लागू होंगी जैसे कि वहां पर लागू होते हैं। अब आता है आपका सेक्शन 7 जो कि फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टेन ऑफेंसेस। तो यह है कि यहाँ पर कतिपय अपराधों की दशा में जो है तो संपत्ति का समापहरण किया जा सकेगा। तो वो ऐसा इसमें कि जब कोई पर्सन इस जो एक्ट है एनी बेयर एनी सच पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस पंचेबल अंडर दिस चैप्टर द स्पेशल कोर्ट में इन एडिशन टू अवॉर्डिंग एनी पनिशमेंट बाय ऑर्डर इन राइटिंग डिक्लेयर दैट एनी प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल आर बोथ बिलोंगिंग टू दैट पर्सन व्हिच इज यूज्ड फॉर द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस शैल स्टैंड फॉर पिच थ्रू द गवर्नमेंट। तो ये है कि जो भी विचारण करने वाला न्यायालय है, तो जब कोई व्यक्ति कन्विक्ट किया जाता है, दोष सिद्ध किया जाता है,
इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के अंतर्गत, अत्याचार के अपराध के अंतर्गत जो भी दोष सिद्ध किया जाएगा, तो ये है कि उसकी जो प्रॉपर्टी का कोई भाग, चाहे मूवेबल हो चाहे मूवेबल हो, जो कि उस अपराध के करने के प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया था, उस अपराध को करने के प्रयोजन से अगर उसका किसी भी तरह से यूज किया गया है, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो है जो उस व्यक्ति की है जिसे दोष सिद्ध किया गया है, तो जो आपका विशेष न्यायालय है, तो ऐसा विशेष न्यायालय जो है एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट है जो कि ट्रायल करता है, वो इस बात का निर्देश दे सकता है कि उस संपत्ति या उसका कोई भाग जो है वो फॉरफिटेड हो जाएगी और वो गवर्नमेंट को फॉरफिट होगी, यानी वो सरकार की संपत्ति हो जाएगी, वो जब्त कर ली जाएगी उस व्यक्ति से, तो वो संपत्ति का जब्ती हो जाएगी, उसके उसका फॉरफीचर हो जाएगा। तो एक लिखित आदेश द्वारा न्यायालय जो है तो ऐसा आदेश कर सकता है कि वो संपत्ति जो है तो उस गवर्नमेंट को फॉरफिट हो जाएगी, इसमें जो कि अपराध में प्रयुक्त की गई। इसके बाद इसका जो सबसेक्शन टू है, धारा 7 का सेक्शन 7 का सबसेक्शन 2 है, तो इसमें यह है कि जब कोई व्यक्ति जो है तो अक्यूज्ड है इस अध्याय के अधीन किसी अपराध का, तो ये जो है तो इट सेल ओपन टू द स्पेशल कोर्ट जो कि उस अपराध का ट्रायल कर रही है, कि ऐसा कोई ऑर्डर पास कर दे कि जो विचारण के दौरान है, विचारण के दौरान उस संपत्ति या उसका कोई भाग जो है, तो जो ऐसे व्यक्ति की संपत्ति है चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, दोनों में से कोई भी जो ट्रायल पीरियड है, जो विचारण का समय है, तो विचारण के समय के दौरान अटैच्ड रहेगी, वो कुर्क रहेगी, वो न्यायालय के अभिरक्षा में रहेगी, और अगर इस प्रकार के ट्रायल का जो निष्कर्ष है वो दोष सिद्धि होता है, तो दोष सिद्धि पर जो है तो जो ऐसी अटैच्ड प्रॉपर्टी होगी, ऐसी जो कुर्क संपत्ति होगी, वो उसका कोई भी भाग जो कि जुर्माने के लिए जो जुर्माना किया गया उसके रियलाइजेशन के लिए जो जुर्माना किया गया उसकी वसूली के लिए, अगर कोई जुर्माना किया जाता है ऐसे दोष सिद्धि पर, तो उसकी वसूली के लिए जितना भी भाग उस संपत्ति का रिक्वायर होगा वो फॉरफिट हो जाएगा, फॉरफीचर के लिए लाइबल होगा, तो ऐसी संपत्ति जो है तो इस अधिनियम के अंतर्गत समपहरत हो जाएगी। तो ये है आपकी संपत्ति के समापहरण की व्यवस्था। उपधारा 1 में ये है कि उसका कोई भाग संपत्ति, किसी भी संपत्ति को जो कि अपराध में उपयोग की गई है, तो ऐसा न्यायालय जो है वो उसे आदेश देगा आपका फॉरफिट करने के लिए, समाप्त करने के लिए। और धारा 2 में ड्यूरिंग ट्रायल जो है तो संपत्ति का भाग जो है, जो चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल, कोर्ट जो है राइटिंग में ऐसा ऑर्डर कर सकती है कि भाई वो उस समय तक जो विचारण होगा वो कुर्क रहेगी, और विचारण के पश्चात अगर वो फाइन उसको कोई लगाया जाता है, तो फाइन की रियलाइजेशन के लिए जितना भी भाग आवश्यक होगा उस जुर्माने के रियलाइजेशन के लिए, उस जुर्माने की पूर्ति के लिए, वो जो है तो इसमें फॉरफिट हो जाए। इसके बाद धारा 8 बहुत महत्वपूर्ण है, प्रिजम्पशन ऑफ ऑफेंसेस। तो ये प्रिजम्पशन की बात करती है कि आखिर कुछ उपधारणाएं कर ली जाएंगी अपने आप इस अधिनियम के अंतर्गत, तो आइए इस पर नजर डालते हैं क्या है। तो प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस चैप्टर, इफ इट इज प्रूव दैट, अगर इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जो प्रावधान है तो उसके अंतर्गत किसी भी ऑफेंस के संबंध में अगर ये प्रमाणित कर दिया जाता है कि अक्यूज्ड रेंडर्ड एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस इन रिलेशन टू द ऑफेंस कमिटेड बाय पर्सन अक्यूज्ड आर रीजनेबली सस्पेक्टेड द कमिटिंग ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस चैप्टर, द स्पेशल कोर्ट शैल प्रेज्यूम अनलेस कंट्रेरी इज प्रूव्ड दैट सच पर्सन हैज अबेटेड द ऑफेंस। तो अगर ये प्रमाणित कर दिया जाता है कि किसी व्यक्ति ने फाइनेंशियल असिस्टेंस जो इस धारा के अंतर्गत करने अपराध करने में अपराध करने वाले व्यक्ति को, या जो अभियुक्त व्यक्ति है, जो अभियुक्त ऐसा अपराध के लिए संदेहग्रस्त व्यक्ति है, जो संदेहास्पद व्यक्ति है, भले उसको अभियुक्त बनाया नहीं गया है, कोई फाइनेंशियल एड की है उसको, यानी वित्तीय सहायता उसने उपलब्ध कराई है ऐसे अपराध को करने के लिए, कोई आर्थिक मदद दी है, तो जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए तो ये उपधारणा की जाएगी कि ऐसे व्यक्ति ने जो है तो ऐसे ऑफेंस का दुष्प्रेरण किया। तो दुष्प्रेरण की परिभाषा वही होगी जो भारतीय दंड संहिता 107 में दी गई है, कि जो कोई भी व्यक्ति उसको इंड्यूस करता है या असिस्ट करता है या ऐसी कॉन्स्पिरेसी में एक अधिक व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, तो यहाँ पर ये उपधारणा की जाएगी, ऐसी उपधारणा की जा सकेगी और की जाए भी। आप लोगों को स्पष्ट रहना चाहिए जो कि आप पढ़ चुके हैं भारत की उसके अंतर्गत
आपका एविडेंस एक्ट के अंतर्गत आपने उसे पढ़ लिया है, साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत। तो साक्ष्य अधिनियम में जो उपधारणा करेगा की परिभाषा है कि जहां कहीं है उपबंधित है कि उपधारा करेगा, जहां कहीं निर्देशित है कि उपधारा करेगा, तो न्यायालय ऐसे तथ्यों को साबित मानेगा जब तक कि वह ना साबित नहीं कर दिए जाते। तो सामान्यतः साबित माने जाएंगे जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए, यानी खंडनीय उपधारणा है लेकिन उपधारणा करेगा। तो अगर ऐसा तत्प्रतिकूल साबित कर दिया जाता है तो उसके अतिरिक्त जो है तो उपधारणा करेगा, लेकिन ऐसे उपधारणा को जो है तो विस्थापित किया जा सकेगा साबित करके कि नहीं ऐसी कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दी गई थी। तो जो इसका पहली उपधारणा है अपराध के दुष्प्रेरण के संबंध में होगी कि कोई व्यक्ति ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण करता हुआ माना जाएगा जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस रेंडर करेगा। तो दुष्प्रेरण नहीं बल्कि फाइनेंशियल असिस्टेंस, आर्थिक सहायता ही साबित करना दुष्प्रेरण के उपधारणा के लिए पर्याप्त होगा अगर ये साबित हो गया कि किसी अक्यूज्ड को या सस्पेक्टेड व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से कोई आर्थिक सहायता मिली थी ऐसा अपराध करने के लिए, तो उस आर्थिक सहायता के बाद ही उस व्यक्ति को दुष्प्रेरक के रूप में मान लिया जाए। इसके बाद आता है कि जहां ग्रुप ऑफ पर्सन व्यक्तियों का कोई समूह जो है तो इस धारा के अधीन जो है तो कोई अपराध करता है, इस अध्याय के अधीन कोई अपराध करता है, तो यह साबित कर दिया गया कि अपराध जो भूमि है या किसी अन्य विषय का स्वीकल है जो उसके बारे में किसी विद्यमान विवाद का फल है, तो अगर इस तरह का विवाद विद्यमान है पहले से भूमि या किसी भी ऐसे संबंध में कि जो भी विवाद है वो भूमि या अन्य विषय के बारे में कोई विवाद है पहले से, और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप या उसका स्वीकल है उसके फल स्वरूप ऐसा कोई अपराध किसी ग्रुप द्वारा किया गया है, तो वह उपधारणा की जाएगी कि ऐसे ग्रुप का सामान्य आशय या सामान्य उद्देश्य विद्यमान था। तो जो धारा 34 और धारा 149 भारतीय दंड संहिता है उसकी उपधारणा उसके उसको सम्मिलित मान लिया जाएगा, उपधारणा कर ली जाएगी कि ऐसे व्यक्तियों का जिन्होंने उस ग्रुप में अपराध किया है उनका सामान्य आशय या सामान्य उद्देश्य विद्यमान था, पहले से ही विद्यमान था उस अपराध के लिए। तो दूसरी जो उपधारणा होगी वो सामान्य आशय या सामान्य उद्देश्य की उपस्थिति की होगी अगर भूमि या किसी अन्य प्रकार के विवाद का स्वीकल है, क्योंकि ऐसी घटनाएं निरंतर होती रही हैं कि अगर इस तरह का कोई भी विवाद विद्यमान है समाज के सक्षम और सबल वर्गों के बीच और इन कमजोर वर्गों के बीच, तो सामान्यतया एक सामूहिक रूप से इनको उस तरह से प्रताड़ित किया जाता है या सामूहिक रूप से इनके ऊपर किसी तरह का हमला इस तरह का अपराध किया जाता है। तो अगर भूमि या अन्य प्रकार का कोई भी विवाद विद्यमान है और ग्रुप द्वारा किया जाता है किसी समूह द्वारा किया जाता है व्यक्तियों के, तो ये माना जाएगा कि सबका सामान्य आशय सामान्य उद्देश्य ऐसे अपराध किए जाने के प्रति विद्यमान। तीसरी उपधारणा इसमें जो है तो ये है कि अगर किसी अभियुक्त को जो पीड़ित व्यक्ति है जो विक्टिम है अगर उसका या उसके कुटुंब के बारे में व्यक्तिगत ज्ञान था, तो ये उपधारणा की जाएगी कि उसे जो अभियुक्त व्यक्ति है उसे जानकारी थी कि ऐसा जो पीड़ित व्यक्ति है तो वो उसको इस बात का ज्ञान था कि अनुसूचित जाति या जनजाति का व्यक्ति, तो ऐसी पहचान उसको पहले से ही ज्ञात मान ली जाएगी, इसके संबंध में किसी अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इस बात को मान लिया जाएगा अगर उसके ये साबित कर दिया गया कि कुटुंब के बारे में व्यक्तिगत जानकारी वो रखता था पीड़ित के या पीड़ित व्यक्ति के बारे में, तो ये मान लिया जाएगा कि उसे इस बात की जानकारी पहले से ही थी कि ऐसा व्यक्ति ऐसी जनजाति का सदस्य है, तो ऐसी जनजाति के होने के बारे में जो है तो उसे जाति या जनजाति का पता था, तो ये उपधारणाएं मान ली जाएंगी। तो तीन दो उपधारणाएं इसमें, पहले तो अबेटमेंट की हो गई, दूसरी उपधारणा आपकी जो है तो ये कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में हो गई, और तीसरी उपधारणा उसकी जाति के बारे में जानकारी के बारे में हो गई, क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता तीसरी उपधारणा में कि हमें इस बात का तो ज्ञान ही नहीं था कि ये व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, अगर उसके कुटुंब का व्यक्तिगत ज्ञान कोई व्यक्ति रखता है कोई पीड़ित व्यक्ति के और अभियुक्त है, तो ये माना जाएगा कि अभियुक्त को उसकी जाति या जनजाति का सदस्य होने के बारे में जानकारी पहले से थी। तो ये है, इसके आगे जो सेक्शन 9 है वो कन्फर्मेंट ऑफ पावर्स के बारे में है, तो शक्तियों का प्रदान किया जाना है। तो ऐसा है इसमें कि संहिता में किसी अन्य बात के होते हुए भी अगर कहीं पर ऐसा उपबंधित है उसके बाद भी ये स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं, तो इस अधिनियम में जो है तो अगर स्टेट गवर्नमेंट ये आवश्यक समझती है तो किसी भी इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध को रोकने के लिए
किसी व्यक्ति को जो कि पुलिस अधिकारी नहीं है, किसी भी लोक सेवक को जो है, तो राज्य सरकार अगर ऐसा समझेगी तो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण के लिए, उससे निपटने के लिए, या इस अधिनियम के अधीन किसी मामले या मामले के वर्ग के समूहों के लिए, एक विशिष्ट मामले के लिए भी और समूहों के लिए भी, जिले या उसके किसी भाग में जो है, तो राज्य सरकार किसी अधिकारी को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे जिले उसके भाग में जो है, तो संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा जो प्रयोक्तव्य शक्तियां हैं या न्यायालय के समक्ष जिनमें ऐसे गिरफ्तारी शामिल है या अन्वेषण या अभियोजन की शक्तियां जो है तो प्रदान कर सकती है। तो इसमें यह है कि किसी अधिकारी को, अन्य अधिकारी को जो कि पुलिस अधिकारी नहीं है, तो राज्य सरकार ऐसे अपराधों के जो प्रिवेंशन के लिए, कुपिंग के लिए जो है, तो ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकती हैं जो सामान्यतया पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य होती हैं, जिनमें कि गिरफ्तारी, अन्वेषण और अभियोजन की शक्ति भी शामिल होगी, जो कि राज्य सरकार द्वारा किसी जिले या उसके भाग के लिए, किसी विशेष मामले के लिए या मामले के विशेष वर्गों के लिए ऐसी शक्तियां इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की जा सकती हैं। तो राज्य सरकार इसके अंतर्गत जो है तो पुलिस अधिकारी की शक्तियां प्रदान कर सकेगी, और जो जो भी पुलिस के अधिकारी होंगे या सरकार के अन्य सभी अधिकारी होंगे, जैसी सहायता है तो पुलिस द्वारा अपेक्षा किए जाने पर की जाती होगी उनकी, तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो है तो किसी भी नियम, स्कीम या आदेश के उपबंध के निष्पादन में, चूंकि अब उसे पुलिस अधिकारी की शक्तियां प्रदान की गई हैं, तो जो भी इस अधिनियम के अधीन उपबंध है, आदेश है, उनके निष्पादन जब ऐसा पुलिस अधिकारी कर रहा हो जिसे विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं इस धारा के अंतर्गत, तो बाकी जो पुलिस अधिकारी होंगे या बाकी सरकार के अधिकारी होंगे तो उसकी सहायता करेंगे इस संबंध में जो है, ये इसमें उपबंधित किया गया है। इसमें आगे ये भी है कि द प्रोविजन ऑफ कोर्ट सेल सो फार एज में बी अप्लाई टू द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय ऑफिसर अंडर सबसेक्शन 1। तो इसमें ये है कि जो कोर्ट, हमने पहले ही इसकी परिभाषा पढ़ ली है, परिभाषा खंड में, तो कोर्ट के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता मानी जाएगी। तो जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है आपका, उसके प्रावधान यथासाध्य जो है, जहां तक हो सकेंगे, तो इसमें भी अप्लाई होंगे। इस धारा के अंतर्गत, जो भी धारा 1 के अंतर्गत, अगर कोई जो ऑफिसर नियुक्त किया गया है और वो जो भी शक्तियों का प्रयोग करेगा, तो एक उपधारा 1 के अंतर्गत ऐसे प्रयोग के समय जो है, तो इसमें भी दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंध लागू। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 3 में पहुंचते हैं। तो चैप्टर 3 जो है एक्सटर्नमेंट की बात करता है, निष्कासन की बात करता है। तो ऐसे व्यक्तियों का रिमूवल ऑफ पर्सन लाइकली टू कमिट ऑफेंस, तो ये पूरी तरह से प्रिवेंटिव मेजर है कि ऐसे व्यक्तियों का जिनके बारे में आशंका है कि वो कोई अपराध करेंगे, उनको उनका हटाया जाए, तो ये इसके प्रावधानों को देखते हैं। तो वेयर इज द स्पेशल कोर्ट अपॉन अ कंप्लेंट ऑफ पुलिस रिपोर्ट, अ कंप्लेंट ऑफ पुलिस रिपोर्ट, स्पेशल कोर्ट इज सेटिस्फाइड अपॉन अ कंप्लेंट ऑफ पुलिस रिपोर्ट दैट अ पर्सन इज लाइकली टू कमिट एन ऑफेंस अंडर चैप्टर 2 ऑफ दिस एक्ट इन एनी एरिया इंक्लूडेड इन द शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज एज रेफर्ड टू इन आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर एनी एरिया आइडेंटिफाइड अंडर द प्रोविजन ऑफ क्लॉज 7 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 2 इट मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग डायरेक्ट सच पर्सन टू रिमूव हिमसेल्फ बियॉन्ड द लिमिट ऑफ सच एरिया by such route and within such time as may be specified in the order and not to return in that area from which he was directed to remove himself for such period not exceeding 3 years as may be specified in the order। तो ये जो प्रावधान है लगभग लगभग इक्वल है आपके राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों में, लेकिन कुछ अंतर है इसमें। यहाँ पर जो है तो स्पेशल कोर्ट किसी भी, अगर ये सेटिस्फाई हो गई है स्पेशल कोर्ट एक किसी कंप्लेंट पर या पुलिस रिपोर्ट पर, ये चीज ध्यान रखना है, किसी परिवाद पर या पुलिस रिपोर्ट पर अगर जो विशेष न्यायालय है उसका यह समाधान हो गया है कि कोई भी जो चैप्टर 2 के अंतर्गत कोई भी कृत्य जो कि ऑफेंस है वो करने वाला है कोई भी व्यक्ति, तो शेड्यूल्ड एरिया या जो ट्राइबल एरिया जो कि अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्रों के रूप में जिन्हें रेफर किया गया है, अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्रों के रूप में जो क्षेत्र नामित किए गए हैं संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत, केवल उन क्षेत्रों में जब यह आशंका हो जाती है, ये निश्चित हो जाता है, उसका समाधान हो जाता है पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट पर कि कोई व्यक्ति जो है तो इस अध्याय के अधीन जो कोई दंडनीय अपराध है, ऐसा कोई अपराध करेगा या करने वाला है, तो जो एक ऑर्डर पारित करेगा, लिखित आदेश पारित करके उस व्यक्ति को
ये निर्देश दे सकेगा कि वो ऐसे एरिया से जो ऑर्डर में स्पेसिफाइड है उससे अपने आप को बाहर कर ले, तो ऐसे रूट से जाए, रूट भी निर्धारित कर सकेगा कि ऐसे मार्ग से जो है तो ऐसे एरिया से बाहर कर ले। और इसकी एक अवधि होगी जो कि 3 वर्ष से के लिए हो सकेगी अधिकतम, तो 3 वर्ष तक की ऐसी किसी भी अवधि के लिए जो 3 वर्ष से ज्यादा ना हो, तो 3 वर्ष तक की किसी अवधि के लिए उसे ऐसे क्षेत्र से हटाने के लिए निर्देश जो है तो स्पेशल कोर्ट यहाँ पर दे सकती है कि ऐसा व्यक्ति जो है तो ये लगभग जैसे जिला बदलने की प्रक्रिया होती है, जनजात डिस्ट्रिक्ट होता है, एक्सटर्नमेंट ऑर्डर होता है, फिर राज्य सुरक्षा अधिनियम में, तो थोड़े थोड़े अंतर है इसमें। जैसे वहां पर डीएम कर सकता है और वो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए है, यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम के अंतर्गत जो कि अनुसूचित क्षेत्रों में केवल जो कि अनुसूचित क्षेत्र है 244 के अंतर्गत या अनुसूचित क्षेत्र में जनजातीय क्षेत्र हो तो केवल उन्हीं क्षेत्रों में इस धारा का उपयोग किया जा सकता है। और एक जो मेजर डिफरेंस है कि यहाँ जो प्रोविजन है वो ज्यादा कठोर है, वहाँ 1 वर्ष के लिए अधिकतम, यहाँ 3 वर्ष के लिए है कि 3 वर्ष तक ऐसा व्यक्ति जो है तो उस एरिया से बाहर रहे। तो ये प्रिवेंटिव मेजर है, पूरी तरह से रक्षात्मक उपाय है, प्रतिबंधात्मक उपाय है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है और उसके बारे में जानकारी हो गई है तो पहले ही ऐसे प्रतिबंधात्मक उपाय कर लिए जाएं ताकि ऐसा कोई अपराध बढ़े ना ही, शुरू में ऐसी स्थितियों को नियंत्रित कर लिया जाए और उसे अपराध करने से रोका जा सके। इसके बाद यह है कि जब जो ऐसा पारित आदेश है तो स्पेशल कोर्ट शैल एलॉन्ग विद द ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 कम्युनिकेट टू द पर्सन डायरेक्टेड अंडर दैट सबसेक्शन द ग्राउंड ऑन विच सच ऑर्डर हैज बीन पास। तो ऐसा नहीं है कि आदेश निराधार ही ऐसा पारित कर दिया जाएगा, अगर कोई ऐसी आशंका विद्यमान है या कंप्लेंट पर जैसे भी उसका समाधान हुआ है तो उसके समाधान के जो कारण होंगे, ऐसा आदेश पारित करने के जो कारण होंगे, तो उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश पारित किया जाएगा तो लिखित में जो है तो ऐसे आदेश के साथ जो है तो वो ग्राउंड भी, वो आधार भी, जिन आधारों पर ऐसा आदेश पारित किया जाएगा उन आधारों की भी सूचना ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी। अगला सबसेक्शन 3, द स्पेशल कोर्ट में रिवोक आर मॉडिफाई द ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 1 फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग ऑन रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द पर्सन अगेंस्ट हुम सच ऑर्डर हैज बीन मेड और बाय एनी अदर पर्सन इन दिस बिहाफ विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ दैट ऑर्डर। तो इसमें यह है कि जो स्पेशल कोर्ट है वो इस तरह के ऑर्डर को रिवोक कर सकती है या तो प्रतिसंग्रहित कर सकती है, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकती है, कोई परिवर्तन कर सकती है, तो उपांतरण भी कर सकती है और रिवोक भी कर सकती है कोई भी व्यक्ति या उसके अंदर कोई भी उसकी ओर से दूसरा व्यक्ति जो है तो रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द पर्सन अगेंस्ट होम सच ऑर्डर हैज बीन मेड आर एनी अदर पर्सन इन दिस फील्ड, तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी उसकी ओर से किए गए आवेदन पर जो है तो अगर स्पष्टीकरण दिया जाता है, उसका रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, अभ्यावेदन दिया जाता है, तो ऐसे अभ्यावेदन पर अगर कोई समाधान हो जाता है डिस्ट्रिक्ट जज स्पेशल कोर्ट का, तो जो स्पेशल कोर्ट है तो इस तरह के ऑर्डर को या तो रिवोक कर सकेगा, प्रतिसंग्रहित कर देगा कि ऐसा आदेश अब अस्तित्व में नहीं रहेगा, या कि उसे मॉडिफाई कर सकेगा ऐसे व्यक्ति के रिप्रेजेंटेशन पर। लेकिन ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो है तो विद इन 30 डेज यानी 30 दिन के अवधि के अंतर्गत ही दिया जाएगा। अवधि ही बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली फॉर द पर्पज ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बिकॉज इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर पेपर सेक्टर। तो कोई भी जो प्रश्न पत्र बनाने वाला व्यक्ति अगर ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता तो ये बहुत ही जो है तो उसके लिए सरल चीजें हो जाती हैं कि वो धारा पूछ ले या कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ ले, जो भी कोई अंकीय क्वेश्चन है, गणितीय प्रश्न है, तो एक तो इनमें कंफ्यूजन नहीं रहता और दूसरा ये कि ये पूछने में बड़े आसान होते हैं कि भाई कितने दिन तक अधिकतम क्या अवधि हो सकती है जिसके अंतर्गत जिसके लिए निष्कासन किया जा सकता है, या कितने दिन के भीतर अभ्यावेदन करने पर उसे प्रतिसंग्रहित कर सकता है। तो जितने भी अवधि वाली स्थितियां हैं इनको स्मरण रखना थोड़ा सा हम लोगों के लिए ज्यादा आवश्यक हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से, और जानकारी की दृष्टि से तो फिर हम लोगों के पास पुस्तकें हैं, उपलब्ध है, तो हम देख सकेंगे, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये चीजें स्मरण में रखी जानी चाहिए। आगे आता है कि प्रोसीजर ऑन फेलर ऑफ पर्सन टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम द एरिया एंड इंटर देयर ऑन आफ्टर रिमूवल। तो यह है कि हटाए जाने के बाद जो है तो कोई व्यक्ति जो कि ऐसे आदेश के बाद या तो असफल रहता है हटाने में, फेल हो जाता है हटाने में, अथवा कि फिर से वहां पर इंटर करता है, रिमूवल के बाद वहां पर प्रवेश करता है, तो ऐसी दशा में क्या प्रक्रिया होगी।
तो ऐसी दशा में प्रक्रिया का यह है कि अगर कोई व्यक्ति जो जिसे ऐसा आदेश जारी किया गया है तो ऐसे क्षेत्र से जो धारा 10 के अधीन है, जैसा कि आपने उपस्थित क्षेत्र देखा है वहां पर, या जनजाति क्षेत्र धारा 244 के अंतर्गत जो डिक्लेयर्ड हो, तो उस क्षेत्र से जैसा कि उस ऑर्डर में स्पेसिफाइड हो, उस क्षेत्र से अगर हटने में विफल रहता है तो इसमें यह देखा जाएगा कि इसके बाद इसकी प्रक्रिया क्या होगी। अगर विनिर्देश हटने में विफल रहता है अपने आप को हटाने में, या ऐसी जो अवधि है उसके पूर्व विशेष न्यायालय की या बिना अनुमति जो वहां पर प्रवेश करता है पुनः, तो विशेष न्यायालय जो है तो उसे गिरफ्तार करवा सकेगा, और ऐसे क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान पर जो विशेष न्यायालय निर्दिष्ट करे तो पुलिस अभिरक्षा से हटवा सके। तो विशेष न्यायालय के समक्ष ये शक्तियां विशेष न्यायालय को प्रदान की गई है कि कोई व्यक्ति अगर री एंटर कर जाता है या हटता ही नहीं है, ऐसे आदेश का पालन नहीं करता, तो उसे पुलिस बल का प्रयोग करके पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे क्षेत्र से बाहर निकलवा सके। अगला है इसमें कि विशेष न्यायालय जो है तो लिखित आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश दिया गया है, अनुज्ञा दे सकेगा कि वह ऐसे क्षेत्र से जहां हट जाने का निर्देश दिया गया था अस्थायी अवधि के लिए ऐसे शर्तों के अधीन रहते हुए जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए लौट सकता है, और अधिरोपित शर्तों के जो सम्यक अनुपालन है, नॉन कंप्लायंस है, तो उसको अपेक्षा कर सकेगा तो प्रतिभूत सहित या उसके बिना बंध निष्पादित करे। तो इसमें है कि विशेष न्यायालय जो है तो कुछ परिस्थितियों में आवेदन किए जाने पर उस व्यक्ति को जिसका ऐसा निष्कासन किया गया है, सब सामान्यतया होता रहता है, उसका कोई कोर्ट में प्रकरण चलता है या परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, ऐसी अपरिहार्य मानवीय परिस्थितियां हैं, या कि न्यायालय इन प्रक्रिया में उसे हिस्सा लेना है, तो ऐसी स्थितियों के लिए जो है तो विशेष न्यायालय के पास अधिकार है जो ऐसी शर्तों के साथ, तनिक नहीं शर्त थी बल्कि कुछ शर्तों के साथ या बिना शर्तों के जैसा भी आवश्यक समझे, तो उसे जो है तो ऐसे क्षेत्र में जहां से निष्कासन का उसे आदेश दिया गया है तो निश्चित अवधि के लिए जो भी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है उसके लिए लौटने के लिए उसे परमिट कर सकता है, और ऐसी परमिशन जो है तो विशेष न्यायालय द्वारा उसे दी जा सकती है कि ऐसा लौटे, और इस प्रयोजन के लिए कि ऐसे प्रयोजन का पालन करे, अगर वो चाहे तो बंध पत्र भी उससे निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकता है कि वो बंध पत्र इसके लिए निष्पादित करे कि वो ऐसे लौटेगा तो उन शर्तों का पालन करेगा और उसी तरह से रहेगा जैसा कि आदेश में भी निर्दिष्ट किया गया है, तो उसके लिए बंध पत्र निष्पादित कर सकता है या कोई प्रतिभूति ले सकता है, दोनों ही चीजें, या तो जमानत उस ले सकता है किसी तरह की उससे, या कि बंध पत्र से पहले आदेश दे सकता है अगर चाहे तो विशेष न्यायालय। इसके बाद अगला सबसेक्शन आता है आपका सबसेक्शन 5 जो है, उसमें यह है कि अगर कोई पर्सन जो है तो ऐसी कंडीशन को जो कि इम्पोज की गई थी या जो है तो उसके अंतर्गत उन्हें ऑब्जर्व करने में, उनका पालन करने में विफल रहता है, या कि जैसा ऑर्डर में है उसके अनुसार अपने को रिमूव नहीं करता है, तो या कि रिटर्न करता है बिना किसी परमिशन के, फेस परमिशन के, तो जो स्पेशल कोर्ट है तो उसे अरेस्ट कर सकती है और रिमूव करा सकती है इस एरिया से। इसके बाद जो है तो आपका धारा 12 है जो कि टेकिंग मेजरमेंट एंड फोटोग्राफ एक्सेट्रा के बारे में उपबंध करती है इसका, कि जो है तो फोटोग्राफ और उसका माप लिया जा सकेगा, तो ऐसा व्यक्ति जो निष्कासित किया गया है या जिसके विरुद्ध ऐसा एक्सटर्नमेंट का ऑर्डर पास किया गया है कि वो उस एरिया से अपने आप को रिमूव करेगा, तो ऐसे आदेशित व्यक्ति को जो फोटोग्राफ या माप लेने की अनुज्ञा इस धारा के अंतर्गत दी जाती है। तो आइए इसका विवरण देखते हैं। तो ये मुख्य रूप से ये जो धारा है ये अनुच्छेद 21 जो है आपका, जिसमें कि प्राइवेसी का अधिकार है सामान्य, तो उसका लगभग एक तरह का अपवाद है किसी व्यक्ति का फोटोग्राफ और मेजरमेंट जो है रखना। लेकिन इस धारा में ऐसी अनुमति दी गई है कि एवरी पर्सन अगेंस्ट हुम एन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 10 शैल इफ सो रिक्वायर्ड बाय स्पेशल कोर्ट अलाउ हिज मेजरमेंट एंड फोटोग्राफ टू बी टेकन बाय द पुलिस ऑफिसर। तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन जो निष्कासन आदेश है जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं, तो अगर निष्कासन आदेश पारित किया गया है तो अगर कोर्ट जो है तो कोर्ट के द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है, तो ऐसा व्यक्ति जो है तो अपना नाप और फोटोग्राफ, अपना माप जो मेजरमेंट होगा और फोटोग्राफ पुलिस ऑफिसर को लेने देगा। सबसेक्शन 2 है इसका कि एनी पर्सन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 व्हेन रिक्वायर्ड टू अलाउ हिज मेजरमेंट
or photograph to be taken, resist that refuses to allow the taking of such measurement of photograph, it shall be lawful to use all necessary means to secure taking thereof. तो अगर ऐसे व्यक्ति को जिसे कि निर्देशित किया गया है, जिससे अपेक्षा की गई है विशेष न्यायालय द्वारा ऐसे आदेश पारित किए जाने के पश्चात कि वो अपना फोटोग्राफ या अपना मेजरमेंट इस तरह का माप लेने दे, और ऐसा लेने में वो जो है तो रिसिस्ट करता है, किसी तरह का प्रतिरोध करता है, तो उस प्रतिरोध पर जो है तो जैसे भी हो सके जो भी आवश्यक उपाय हों उसके फोटोग्राफ या मेजरमेंट लेने के लिए, तो सीधे से उसे कंपेल किया जा सकता है, आवश्यक बल प्रयोग किया जा सकता है, या आवश्यक रूप से जैसे भी वो फोटोग्राफ या मेजरमेंट हो सके उस व्यक्ति के लिए जा सके, और विशेष न्यायालय द्वारा ऐसी अपेक्षा की गई है। ये नहीं है कि अगर ऐसा व्यक्ति इंकार कर देगा तो नहीं नहीं लिया, पुलिस अधिकारी जो है जैसा भी बल प्रयोग आवश्यक समझे जिस भी रूप में वो लेने दे तो उसका लिया जा सकेगा। इसके बाद रिसिस्टेंस और रिफ्यूजल टू अलाउ टेकिंग मेजरमेंट और फोटोग्राफ अंडर सेक्शन 2 शैल बी डीम्ड टू बी एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 186 ऑफ इंडियन पेनल कोड। तो ये है कि आईपीसी का जो 186 है, जिसमें कि लोक सेवक द्वारा दिए गए किसी निर्देश की अवहेलना करने का जो अपराध है, तो वो अपराध माना जाएगा अगर कोई व्यक्ति ऐसे फोटोग्राफ लेने का, ऐसा नाप लेने का, प्रतिमाप लेने का जो है तो प्रतिरोध करेगा, इस तरह से रिसिस्ट करेगा। तो ये न केवल आवश्यक प्रयोग करके, आवश्यक उपाय करके लिया जाएगा, बल्कि ये दंडनीय अपराध भी होगा। आईपीसी की धारा 186 के अंतर्गत जो बंधित दंड है वो भी इसके लिए अप्लाई किया जा सकेगा, वो भी प्रावधान जो अट्रैक्ट होंगे अंडर सेक्शन 186 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। तो इसमें है मेजरमेंट लेना। इसके बाद इसका जो है तो आखिरी सब सेक्शन आता है सेक्शन 4 की, वेयर एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 10 इज रिवोक्ड, ऑल मेजरमेंट्स एंड फोटोग्राफ इंक्लूडिंग द नेगेटिव शैल टेकन अंडर सब सेक्शन 2 शैल बी डिस्पायर और मेड अवेलेबल टू द पर्सन अगेंस्ट होम सच ऑफेंस में सच ऑर्डर इज मेड। तो यहाँ पर यह है कि अगर जो धारा 10 के अधीन आदेश दिया गया था, क्योंकि उसी आदेश के अनुक्रम में ही इस तरह के फोटोग्राफ और माप लिए जा सकते हैं, ऐसा ओपन नहीं है कि लिए जा, तो उसके अनुक्रम में अगर ऐसा आदेश दिया गया था, तो अगर वो आदेश प्रतिसंग्रहित कर दिया जाता है, रिवोक कर दिया जाता है, तो जितने भी मेजरमेंट्स या फोटोग्राफ होंगे वो मेजरमेंट्स या फोटोग्राफ या तो नष्ट कर दिए जाएंगे या उस पर्सन को दे दिए जाएंगे जिसका केस नाप ली गई थी या जिसके विरुद्ध किया गया था। तो यानी फोटोग्राफ और मेजरमेंट को सुरक्षित रखने का केवल तभी तक अधिकार है जब तक कि ऐसा आदेश प्रचलित है। जैसे ही इस आदेश का रिवोकेशन होता है, वो फोटोग्राफ्स, उनकी निगेटिव्स और मेजरमेंट या तो नष्ट कर दिए जाएंगे वो जो डॉक्यूमेंट है, फिर से उसकी प्राइवेसी उसी तरह सिक्योर की जाएगी, और या तो उस व्यक्ति को दे दिए जाएंगे, यानी पुलिस या जहां भी वो रखे जाएंगे जो भी स्टेप होगा उन्हें अपने पास रखा नहीं जा सकता है, बल्कि वो या तो सौंपे जाएंगे या नष्ट कर दिए जाएंगे। अगली धारा जो है तो पेनाल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 10 है। तो जो धारा 10 के अधीन निष्कासन आदेश है, तो कोई व्यक्ति जो इसका ऑर्डर का जो उल्लंघन करता है, तो ये जो है तो एक ऐसे दंड से दंडित किया जाएगा, इम्प्रिजनमेंट से कारावास से, जिसकी अवधि जो है तो 1 वर्ष तक भी हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो इसके अंतर्गत जो भी आदेश दिए जाएंगे, एक्सटर्नमेंट ऑर्डर होंगे, वहां अगर कोई व्यक्ति जो है तो उनका उल्लंघन करेगा, तो न केवल उल्लंघन पर ऐसे गिरफ्तारी और उसके बाद निकलवाने का, बल्कि एक अपराध भी होगा जो कि धारा 13 के अंतर्गत दंडनीय होगा, 1 वर्ष के कारावास से यह अपराध दंडनीय होगा। तो ऐसे निष्कासन आदेश का जो धारा 10 के अंतर्गत रिमूवल ऑर्डर है, ऐसे ऑर्डर का जो कोई भी उल्लंघन करेगा, उसका पालन नहीं करेगा, उसमें लिखित जो शर्तें हैं उनका पालन नहीं करेगा, तो वो दंडनीय होगा। तो ये आज आपका जो है तो अध्याय 3 यहाँ पर समाप्त होता है। अध्याय 4 के उपबंधों की हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे।